यार आज एक नए सफर की शुरुआत तो हो ही गई, लेकिन इस सफर को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि जिंदगी के सफर में ना दोस्त हिंदी वाला सफर करते रहिए, वरना अंग्रेजी वाला सफर तो लगा ही रहेगा। पहाड़ों माँ वो मैं चुपर देश वो फेसबुक में भेज दिए मेरे बंधु तो या पढ़ो संदेशा प्यारा ऑडिशन लाएंगे तो आपको सीधा एक दिन के 1.5 लाख जो कहीं नहीं गया। तो भैया अगर आप लोग कोई भी ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक से इंडस्ट्री से रिलेटेड है और आप देख रहे हैं इन्हें तो आप जरूर हे गाइस, मेरा नाम हिमांशु है और मैं आप ही की तरह सिंपल सा बंदा जो जॉब के साथ साथ ट्रैवल करता है। और आज मैं जा रहा हूँ अपने घर से एक स्पेशल डेस्टिनेशन पे। ये डेस्टिनेशन इसलिए स्पेशल है बिकॉज यहाँ मैं बहुत साल पहले अपने दोस्तों के साथ गया था, मटेला, पुनीत और मेहरा जी के साथ। बट उस दिन हम लोग सिर्फ रोड ट्रिप के लिए गए थे, बट एक जो ट्रैक था वो एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे, तो इस बार मैं वो ट्रैक एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो अभी फिलहाल हम भीमताल पहुँच गए थे, तो भीमताल में जो रोड के बगल का नज़ारा होता है देखने लायक होता है, इसलिए हम भी इस पार्क में उतरे थे बिल्कुल रोड के बगल में फोटोग्राफी वगैरह करने के लिए। और फोटोज वगैरह देखने के लिए इंस्टाग्राम में फॉलो कर लेना यार, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और प्लान ये है कि अभी हम फिलहाल यहाँ से जाएंगे पहले अल्मोड़ा, फिर जाएंगे बागेश्वर, फिर उस डेस्टिनेशन पे जाने वाले जहाँ की मैं बता रहा हूँ। तो अगर आप लोग गेस कर सकते हो कि कौन सी डेस्टिनेशन होने वाली हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल अभी यहाँ पे मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी कोने में और यहाँ से निकल रहे हम धीरे धीरे सीधे। अब नेक्स्ट स्टॉप जो है अल्मोड़ा का ही लगेगा। तो कहीं चलते चलते अब हम पहुंच गए अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा का जो वेदर है ना उसकी खास बात यह है कि ये चेंज होते रहता है और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कैसे कैसे चेंज हो गया, अभी ठंडी कभी गर्म। तो अभी हम यहाँ पर आए थे, जो पीछे जंगल दिख रहा है पूरा पूरा फॉग लगा हुआ था, इतना अमेजिंग लग रहा था, मैंने फोटोग्राफ्स वगैरह काफ़ी खींची यहाँ पे। और अल्मोड़ा से मेरी खास यादें भी जुड़ी बिकॉज मेरा बचपन पूरा यहीं गुजरा हुआ है। तो अभी हम धीरे धीरे ऐसे ही चल रहे हैं यहाँ से फोटोग्राफी वगैरह करते हुए अल्मोड़ा, अभी मेन मार्केट जाएंगे, यहाँ पर थोड़ा सा काम है और निपटा के फिर हम सीधे निकलेंगे बागेश्वर की ओर। तो गाइस जैसे ही आप लोग अल्मोड़ा की मेन सिटी में एंट्री करते हो तो यहाँ पे एक ब्राइडिन कॉर्नर करके जगह पड़ती है। इसकी खास बात यह है कि जो मेरे पीछे आप नज़ारा देख रहे हो ना, ये नज़ारा सुबह देखने को मिलता है, और अगर आप शाम को यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे बहुत अमेजिंग सनसेट देखने को मिलता है, पूरा रेड हो जाता है। और प्लस यहाँ पे एक कैफे भी है जो मेरे जस्ट पीछे आपको दिख रहा है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शाम को कॉफ़ी पीने के लिए और साथ साथ में सनसेट देखने के लिए। और मॉर्निंग में अगर आप चाहो तो ऐसा नज़ारा देखने के लिए आप यहाँ आ सकते हो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बागेश्वर, और ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये यहाँ का केमू स्टेशन है। और बेसिकली मेरी माँ को अपने गांव जाना था, गांव यहाँ से दफोर्ट के लिए बस लगती है, तो उनको बस में बिठा दिया है, वो चले गई हैं। और हमने यहाँ पे लंच भी कर लिया है और ये रही मेरी गाड़ी, और अभी यहाँ से हम सीधे जा रहे हैं मुंशारी। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, कहीं ऐसी जगह रुकेंगे जहाँ पे थोड़ा सा पानी वानी हो, थोड़ा चिल सा माहौल है, बहुत भीड़ भड़क का है। तो गाइस पहाड़ों में ट्रैवल करने का फायदा ये होता है कि आपको इस तरह से नेचुरल वाटरफॉल देखने को मिल जाते हैं, और ये पानी जो होता है ना बहुत प्योर होता है और मीठा एकदम मस्त होता है। तो अभी हम फिलहाल यहाँ पे रुके हैं, थोड़ा हाथ वगैरह धोएंगे, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो एक ब्रेक बेसिकली बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको पता लगने वाला है कि जब आप मुंशारी जा रहे हो और वहाँ पे खलिया टॉप ट्रैक आपको करना है तो क्या क्या डिटेलिंग उसकी सारी आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है। और साथ ही साथ में ये भी बताऊंगा कि वहाँ पे जो होटल्स वगैरह हैं उनके रेट क्या हैं, क्योंकि हमने होटल बुक नहीं कराया है, वहीं जाके होटल हम एक्सप्लोर करेंगे। तो वो सारी डिटेल आपको मिलने वाली, तो वीडियो में बने रहें। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे अपना गाड़ी वाड़ी में थोड़ा पानी वानी डाल लेते हैं और हाथ धो के सीधे यहाँ से मुंशारी चलते हैं, क्योंकि अभी लेट भी हो गया है। अभी अप्रॉक्स यहाँ पे 3:30 बज गया है और हम अभी बागेश्वर से थोड़ा सा ही आगे निकले हैं, तो हमें पहुँचते पहुँचते अराउंड 7:30 वहाँ पे होने वाला है। तो सीधे मैं आपको मिलता हूँ यहाँ से मुंशारी। ठंडा ठंडा कूल कूल, अरे भाई साहब ये नाली है पूरा। तो गाइस फाइनली हम लोग मुंशारी पहुंच गए हैं। तो बेसिकली मुंशारी से थोड़ा पीछे हैं, बृति फॉल पे हैं। तो हम लोग रुक रुक के आए थे, इसलिए थोड़ा बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया, तो हमने डिसाइड किया कि अब हम बृति फॉल में रुके हैं TRC में। तो यहाँ पे एक ही जगह है रुकने की TRC करके, और जो अभी टाइम है वो 7:30 हो गया है हमें आते आते। और बाकी सीन ये है TRC में, अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको बहुत चीप प्राइस में अच्छा रूम मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 900 रुपये का रूम मिल जाता है और अप्रॉक्स 1000 रुपये का रूम मिल जाता है, और खाने वाने की व्यवस्था भी यहीं अवेलेबल है। साथ ही साथ मैं बोलूँगा कि अगर आप कर सकते हो तो एक दूसरा जो TRC है ट्रैक के बीच में पड़ता है, तो वो भी अगर आप बुक कर सकते हो तो वो ज़रूर करा लेना, बिकॉज वहाँ से जो व्यू है और वहाँ से जो ट्रैक का एक्सेस है तो आप सनराइज देख पाओगे, और वो एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस होने वाला है। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि अगर वहाँ का कल की बुकिंग मिल जाए तो
वहाँ देख लेंगे, नहीं तो फिर हम कोशिश करेंगे कि या तो यहीं आएंगे या तो फिर मुंशारी घूमने चले जाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ क्योंकि पूरा ड्राइव करके आया हूँ वहाँ से यहाँ तक, और अभी प्लान ये है कि 7:30 भी हो गया है, तो खाना वाना खा के हम सीधे सोने वाले हैं, बिकॉज हम कल अर्ली मॉर्निंग निकलेंगे, कल हमें ट्रैक भी स्टार्ट करना है और कोशिश करेंगे वहाँ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। सो गाइस अभी हम यहाँ पे डिनर कर रहे थे, तो यहाँ पे हमें भाई साहब मिले, ये बेसिकली यहीं पे सारा देखते भी हैं किचन विचन। क्या नाम है भाई आपका? मेरा गोपाल दास। गोपाल दास कहाँ के हुए आप? मैं सोमेश अल्मोड़ा। सोमेश, अरे अल्मोड़ा की थे आप? हाँ। बहुत ही बढ़िया। तो आज ये हमारे पेशकश देने वाले हैं, बहुत अच्छी। क्या सुनाने वाले आप आज? मैं आपको यहाँ के लोकल सुनाता हूँ। लोकल सुना दो। बढ़िया एकदम। ये है कि मतलब सात संसार एक मुंशियार कहते हैं। अच्छा, जिसने सात संसार देखे हैं वो अगर एक बार मुंशियार तो बराबर कहते हैं। अच्छा, मैंने थोड़ा सा बना रखा है। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे काफी कोणी गाने हैं, बहुत पुराने। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो हो जाए एक। কি ভালো মানিস মের মঞ্জু জমিল জোহারা কেচি ভালি মেরড কি কুরকুর কাটে কেস তুসু আ পাহাড় মা ওই মেচু পর দেশ ওই ফেসবুক মে ভেজ দিয়ে মের মঞ্জু তো আপন সন দেশা তারা ঘুমরো বাজা ছমা রে ছামা 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 তারা ঘুমরো বাজা ছমা রে ছামা নাচ মে হেরিবি না তারা ঘুমরো বাজা ছমা রে ছামা মন শারি বজানা তারা ঘুমরো বাজা ছমা রে ছামা হা 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 হিসালুকা বানা দেনলিকা দানা ওই রাজা ভাবে চানা ওই রাতি পারা যা ছে মের মঞ্জু তু কালমুনি কাডানা ওই রাতি পারা যা ছে মের মঞ্জু তু কালমুনি কাডানা ওই নাজুকা ফুটে মে তারা বুড়ে নিবে কানা ও ঘর তু কুচেরি না মের মঞ্জু তারা ছাটা ছা আটা না না তারা ঘুমরু বাজা ছমা রে ছামা মুন শারি বাজার তারা ঘুমরু বাজা ছমা। ধন্যবাদ आपका बहुत 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 ही बढ़िया गया आपने, दिल को छू लिया। अब एक बार मेरे दर्शकों को ये बताइए कि आप इसका थोड़ा सा मतलब बता दीजिए कि कई लोगों को पहाड़ी नहीं पता है, जो लोग हमारे पूरे भारत से देखते हैं, तो उनको इसका थोड़ा सा गाने का मतलब बता दीजिए कि क्या। जैसी लड़की है बाहर रहती है, दिल्ली कहीं बॉम्बे कहीं भी रहती है, तो हमारा लड़का पहाड़ का है, मुंशारी मतकुट जहाँ भी मतलब अच्छा जगह का ठंडी लगेगा, तब ने मंजू कह रहा है कि मेरे पहाड़ में आ। मंजू मतलब उसकी वाइफ? उसकी वाइफ है। अच्छा। एक ग्रैंडफादर जो भी है, उसकी फ्रेंड जो भी है, उसको कह रहा है कि मेरी यहाँ वादियों में यहाँ मतकुट है, मंदिर है, यहाँ की ठंडी हवा है, यहाँ के जो जंगल में जो घास काटते हैं औरतें, तो यहाँ की जो हवा को देखने के लिए अपनी कर्पणों कह रहा है कि अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत अच्छा आप गाते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये जो गाना है अपना, ये जो आपकी जो भी आपकी कला है, इसे आप आगे बढ़ाएंगे। मैं सर, मैं आगे बढ़ता हूँ, मेरे को एक मौका चाहिए। मैं तो अभी संविदा में सरकारी भी नहीं हूँ, मैं तो कोई 10,000 भी लगाए मैं तो उसका यूट्यूब को आगे करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा दो तीन गाने ऐसे हैं, अगर वो म्यूजिक में आप मेरे गाने अगर ऑडिशन लाएंगे तो आपको सीधा एक दिन के 1.5 लाख जो कहीं नहीं गया। तो भैया अगर आप लोग कोई भी ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक से इंडस्ट्री से रिलेटेड है और आप देख रहे हैं इन्हें, तो आप जरूर एक बार कोशिश कीजिए। यहाँ पर ये TRC में है, बिरती फॉल TRC में, मुंशारी से पहले पड़ता है, तो आप जरूर इनको मौका दीजिए। अगर आप यहाँ आते हो जरूर इनसे एक बार गाना सुनिएगा, बहुत अच्छा गाते हैं। वीडियो को मैं आज यहीं एंड करता हूँ, और कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी सून। इस तरह से रूम है, एक छोटा सा रूम मिलता है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है, और साथ में टेबल चेयर्स भी मिलते हैं, और बेस्ट पार्ट मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया।